मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बहरी थाना अंतर्गत फुलवारी गांव में महिला आग से झुलसी, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। बहरी थाना अंतर्गत फुलवारी गांव में महिला आग से झुलसी, संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। हम आपको बता दें, सावित्री द्विवेदी पति इंद्रपति द्विवेदी अपने ही गांव में जल गई थी। बीते 23 तारीख को परिजन उनको इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर हमने परिजन से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, सावित्री द्विवेदी उस समय आग से जली जब उनके घर में कोई नहीं था। इस बात की जानकारी जब हम लोग को हुई तो हम लोग घर पहुंचे, देखा पड़ोस के घर में आग लगी है, वहां सावित्री द्विवेदी जल गई थी। पड़ोसी ने उनको निकाला और वहीं पर बैठा दिया। परिजन साफ तौर से कहते हैं, पड़ोसी ने ही सावित्री पर आग लगाई होगी, बाद में उसे बुझाया। हालांकि बहरी थाना की पुलिस जब इस मामले की जांच करेगी तब महिला के मौत की असली वजह सामने आएगी। महिला क्यों जली, कैसे जली, ये सब तय करना है बहरी पुलिस का काम। फिलहाल हम आपको बता दें, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान सावित्री द्विवेदी की मौत हो गई। सावित्री द्विवेदी अच्छी खासी थी, घर में सब कुछ ठीक था, भरा पूरा परिवार था। लेकिन बीते दिन जब घर में कोई नहीं था, उसी दौरान सावित्री पड़ोस के घर में गई, या जो भी वजह हो ये सब पुलिस तय करेगी। परिजन साफ तौर से कहते हैं, पड़ोस के घर में ही सावित्री द्विवेदी आग से झुलस गई थी। जब हम लोग पहुंचे तो उन्हीं के घर में वो बैठी हुई थी, आग से झुलसी हुई थी। हम लोग तत्काल ही उनको लेकर पहले सीधी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने देखा, प्राथमिक उपचार किया, उसके बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए, रीवा के संजय गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में उनको एडमिट करके उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया, जहां पर थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। परिजन फुलवारी से सावित्री को सबसे पहले सीधी के जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनको प्राथमिक उपचार किया। लेकिन सीधी में बर्न यूनिट नहीं थी। बर्न यूनिट ना होने की वजह से सीधी के ज़्यादातर मरीजों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, जैसा कि सावित्री द्विवेदी के मामले में भी किया गया। सावित्री को लेकर परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। बर्न यूनिट में उपचार के दौरान थोड़ी देर में उनकी मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर हमने सावित्री द्विवेदी के परिजन से बात की, जानने समझने की कोशिश की, सावित्री की मौत की असली वजह क्या है, आग कैसे लगी। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। सावित्री जी की कैसे जलने से मौत हो गई? सावित्री जी हमारी भयावह हैं, और ये कैसे जलने से मृत्यु हुई, वहाँ आई विटनेस हम लोग थे नहीं, घर में कोई नहीं था, तालाबंद था, सिर्फ वही अकेली रही घर में, और जलने से हुई। आए तो बगल में हमारे एक पड़ोसी हैं भाईलाल द्विवेदी, उनका घर है, और उनके अहाते के अंदर आग लगी थी, उसी आग में वो जली, अपने घर में नहीं, उसी आग में जली, और वही लोग पानी डाल करके उससे निकाल करके वो किनारे बैठा दिए थे, जिसका फुटेज भी हमारे पास है। अब यहाँ आने के बाद में डॉक्टर साहब पूछे हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर के स्टेटमेंट देखे हैं, लिखे हुए हैं, बोले कि हमारा पड़ोसी जला दिए। और बेटी पूछी है, उनकी बड़ी बेटी वो है बैठी है, तो पूछी कि मम्मी अपने हमको बाद में दिखाई, बोली मम्मी कैसे मरे, कैसे आगे लगी, तो बोले भाई लाल जरादीन, भाई लाल जरादीन। हम लोग कोई घर में नहीं थे, जब हम 4:40 पर घर पर आए हैं, मियाँ बीवी, एक आदमी का लड़का मर गया था, द्वार जाना था, सोमवार था दिन, तो गए थे वहाँ से 3:30 निकले हैं घर से, और 4:40 पर घर पहुँचे तो जल करके वो लोग आग बुझा रहे थे, अपने आग से निकाल करके, और इसके बाद में दीवार के किनारे पानी डाल करके बैठा दिए। कहाँ तक मामला, किस ग्राम? फुलवारी का है। कौन सा थाना लगता है? थाना तहसील पोस्ट ऑफिस बहरी। आपका नाम? आप हमारा पारसनाथ शर्मा है रिकॉर्ड में, नाम वसीम द्विवेदी हैं, लेकिन रिकॉर्ड में पारसनाथ शर्मा है, और जो मरी हैं मृतक के हम जेठ हैं, हमारे छोटे भाई की पत्नी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।